नमस्कार दोस्तों, हमारे पास बाइक है हीरो की सुपर स्प्लेंडर। इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है कि जितनी बार हम इसका ब्रेक दबा रहे हैं या तो हॉर्न दबा रहे हैं, उतनी बार लाइट इसकी फास्ट हो रही है, मतलब तेज़ हो जा रही है। हॉर्न दबाएंगे तो गाड़ी की हेडलाइट तेज़ हो जाएगी, छोड़ देंगे तो स्लो हो जाएगी, या तो फिर ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी की हेडलाइट तेज़ हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और ब्रेक छोड़ देंगे तो वापस स्लो हो जाएगी। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो आप इसको कैसे सही करेंगे, उसी के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक बार आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं, उसके बाद हम कैसे सही करेंगे वो दिखाएंगे। ठीक है, अभी पहले हम गाड़ी को चालू कर लेते हैं। पावर बोलते हैं, पावर तो गाड़ी चालू हो गई अपनी, और अभी हम क्या करेंगे, इसका हेडलाइट को चालू करेंगे। अभी आप हेडलाइट को ध्यान से देखना, अभी देखिए जितनी बार हम हॉर्न को दबा रहे हैं उतनी बार हेडलाइट फास्ट हो रही है। अब आप ध्यान से देखना, ये देखिए जितनी बार भी हॉर्न दबाएंगे उतनी बार हेडलाइट फास्ट होगी, या ब्रेक दबाएंगे तो भी इसी तरह से हेडलाइट तेज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बैटरी का कवर खोलेंगे। दोस्तों ये प्रॉब्लम बैटरी के इधर से ही होता है, कैसे होता है वो हम आपको खोल के बता रहे हैं। पहले बैटरी का कवर खोल लेंगे हम, और आप ये अभी बैटरी की कंडीशन देख रहे हैं, बैटरी जब से लगी हुई है इसका टर्मिनल कभी साफ नहीं किया गया है, तो इसका वायर को हम खोलेंगे, इसी में कार्बन आ जाने से ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसका दोनों वायर को हम खोल लेंगे और इसको पॉलिश पेपर से अच्छे से साफ करेंगे, और उसको फिर फिट करेंगे, और फिर आपको बताएंगे प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं सही हुआ। तो पहले इसको खोल लेते हैं फटाफट। अभी हम दोनों वायर को अच्छे से साफ कर लेंगे। मेन और अर्थिंग दोनों वायर को हमें साफ करना है अच्छी तरह से। इसके बाद हमें बैटरी का जो है इसको भी हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है, इस तरह से पेपर की मदद से इसको अच्छे से साफ करना है। ठीक इसी तरह इसको भी साफ करना है, दूसरा वाला वायर। ठीक है, महीना दो महीना, और अभी हमें इसको फिट कर लेना। अभी हमने दोनों वायर साफ करके लगा दिए हैं, लेकिन अगर आपका इससे भी प्रॉब्लम नहीं सही हुआ तो ये जो अर्थिंग वाला वायर है ये जो गया है बॉडी में, यहाँ पे देखिए स्टार्टर के पास बॉडी में टाइट किया हुआ है, तो नहीं अगर सही हुआ तो उसको भी खोल के हमें इसी तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है, फिलहाल हमने सिर्फ बैटरी का वायर साफ़ किया है, और अभी हम गाड़ी को चालू करेंगे और इसको चेक करेंगे सही हुआ है प्रॉब्लम कि नहीं सही हुआ है। ठीक है, पहले हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ये सामने देखिए हमने हेडलाइट को चालू कर लिया, आप देख सकते हैं अभी हम हॉर्न को दबा रहे हैं, कितना भी हॉर्न को दबाएंगे गाड़ी जो है हेडलाइट जो है तेज़ नहीं होगी, यानी फास्ट नहीं होगी। ये ब्रेक भी दबाएंगे तो भी हेडलाइट फास्ट नहीं होगी, हमारा प्रॉब्लम सही हो गया आप देख सकते हैं। तो हमारी गाड़ी का प्रॉब्लम तो सही हो गया, अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कुछ इस तरह से आप प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।